सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि ई ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अर्थात 14वीं या 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत आपके पंचायत में कुल कितने योजना है जिसका अप्रूव्ड हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, अर्थात कितने योजनाओं का काम किया जाएगा, कितने योजना का स्वीकृति मिल चुकी है। तो हम योजनाओं को देखने के लिए, जानने के लिए आप आइए हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी योजना आपका स्वीकृत हो गया है, जिस पर काम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ई ग्राम स्वराज जो है हमको गूगल ब्राउज में आके टाइप करना है। गूगल ब्राउज में जो है हम ई ग्राम स्वराज टाइप करेंगे। टाइप करने के पश्चात यह देखिए ई ग्राम स्वराज का होम पेज है, यह पेज ओपन हो जाता है। आप ऊपर नीचे करके इस तरह से देख सकते हैं, यह जो है सारा डाटा ई ग्राम स्वराज का है। अब हम यहाँ पे आ जाने के पश्चात प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग पर आ जाते हैं। प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग पर क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ पे GPDP 2021-20 अप्रूव्ड है। हमको इसी पर आके क्लिक करना है। GPDP पर क्लिक करने के पश्चात समस्त भारत के राज्य जितने आपके सामने शो करेंगे, देखिए जितने पर सब हाइपरलिंक बना है, वह स्टेट में सारा योजना अप्रूव हो चुका है, और जो आपको हाइपरलिंक नहीं बना रहा है वहाँ पर योजना अप्रूव नहीं हुआ है। अब हम डिस्ट्रिक्ट पे चलाते हैं और जिस भी डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहते हैं, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे और उस पर क्लिक कर लेंगे। या यदि नाम सर्च करने में दिक्कत है तो कंट्रोल ऐप से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम हम सिलेक्शन कर ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमको अब ब्लॉक आ जाना है। ब्लॉक में आ जाने के पश्चात देखिए इतने सारे ब्लॉक जो आपके सामने हैं सारे डिस्प्ले पर शो करेंगे। शो करने के पश्चात जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट पर आके उस ब्लॉक पे आके सिलेक्शन कर लेना है। देखिए यहाँ पर भी हाइपरलिंक जिस पर बनेगा वही ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर यह ओपन हो चुका है। अब यहाँ आपके सामने जो है अब जिला में चलाते हैं, तो जिला के पश्चात ब्लॉक, ब्लॉक के पश्चात अब आपके जितने सारे पंचायत हैं वह आपके सामने सारा पंचायत यहीं पर शो कर रहा है। ये सारे पंचायत जो आप देख रहे हैं, इस सारे पंचायत में आने के पश्चात देखिए इस तरह का जो है प्लान यहाँ पे सारा शो कर रहा है। प्लान समरी है, इस प्लान के तहत कितना योजना में खर्च करना है, किन किन मद में खर्च करना है वह जानकारी देता है। उसके बाद दूसरा में देखिए यहाँ यह जो है डाटा बेस के आधार पर बता रहा है कौन सा मद में कितना परसेंटेज खर्च करना है। लाल, हरा, ब्लू का मतलब आप सामने देख सकते हैं। उसके नीचे है स्कीम डिटेल्स, स्कीम भी पर हम आके जो है देख सकते हैं। मुख्य जो है यह है स्कीम व्यू। यहाँ पर आ जाने के पश्चात यह देखिए किस फंड में कितना खर्च करना है, कितना खर्च हुआ था, एक्चुअल खर्च कितना है वह इसमें दिखाता है। अब हमको देखिए सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु है प्रायोरिटी वेज एक्टिविटी डिटेल्स। इसी चौथा नंबर पर जो हम क्लिक करेंगे तो जितने भी सारी योजना रहेंगे या सारे योजना शो करेंगे आपके पंचायत में कुल मिलाकर इस तरह का जो योजना है या सारा शो करता है, इसका एक्टिविटी कोड कितना है, किस मद में है, कहां से कहां तक है, इसका प्राकृत राशि कितना है और इसका काम करने में लगभग कितना समय लगेगा या किस मद में है। तो यह 15 फाइनेंस में जो है 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत जो है यहाँ बनने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ बनने वाला है, तो यह जगह का नाम दिया है, किस मद में है, कितना अमाउंट है और किस वर्ष यह बनकर कंप्लीट होगा। इस तरह से आपके पंचायतों में जितने सारी योजना अप्रूव्ड हैं यहाँ पे सारा योजना का डिटेल दिया रहता है, कौन कौन सा योजना बनने वाला है,
उसका प्राकृत राशि कितना है, उसमें खर्च कितना होगा, कौन सा मद में खर्च होगा, इस तरह से यहाँ संपूर्ण जानकारी आपको दिया रहता है। आपके देखिए नीचे सेक्शन 5 में दिया है अटैच्ड फाइल, अर्थात आप इसको जब ओपन करेंगे तो यह बताएगा कि आपके ग्राम पंचायत में इतने योजना जो है यह अप्रूव्ड होने वाला है। इसका पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ फाइल में पंचायत सचिव और मुखिया जी का हस्ताक्षर रहता है। इस तरह से जो जो योजना आपका ग्राम सभा में लिया गया है उसका संक्षिप्त विवरण इस पर दिया रहता है। इस तरह से मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको मैं संपूर्ण रूप से बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।